पैसा जो है टेक्निकल फिनोमिना नहीं है, ये बिहेवियरल फिनोमिना है। जब आपके नेचर में अगर ईएमआई जा सकता है तो आपके नेचर में सेविंग भी जा सकती है। बाद में आपका बैंकर ये नहीं पूछेगा, अच्छा मम्मी ने बताया था माफ कर देते हैं, बीवी ने बताया था लोन ले लो तो माफ कर दे। नहीं, पैसे का प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक गलती आप करोगे 3 से 5 साल पीछे ना, एम्प्लॉय लोग या तो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे होते हैं या तो बैंक के लिए काम कर रहे होते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी लेजेंड्स ऑफ नेशन के इस प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आप लोग जानते हैं कि हर बार हम एक सेलिब्रिटी गेस्ट के साथ आते हैं जिनसे हम उनके जीवन के अनुभव के बारे में और उस विषय के बारे में जानते हैं जिसमें उन्होंने महारत हासिल की है। आज ऐसे ही सब्जेक्ट को लेकर हमारे साथ में है एक स्पेशल गेस्ट और मैं आप सभी की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। स्पेशल गेस्ट है डॉक्टर संदीप गुप्ता जी। थैंक यू सर। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सो मच। और रिसेंट आपने इतना शानदार कार्यक्रम किया उसके लिए सबसे पहले आपको फिर से एक बार बधाई। धन्यवाद धन्यवाद। संदीप सर, लोगों से ये कहते हैं कि पर्सनल फाइनेंस मतलब आपके पैसे के बारे में क्या आपसे बेहतर कोई आपको बता सकता है। ये बहुत लोगों का प्रश्न होता है कि यार पैसे मैं कमाता हूँ, 1,00,000 रुपए मैंने कमाए हैं, 50,000 मैंने कमाए हैं, 25,000, 30,000, 20,000, 10,000 जो भी कमाया मैंने कमाया, मेरे कमाए हुए पैसे पर क्या कोई मुझसे बेहतर मुझे बता सकता है मैं उसका इस्तेमाल कैसे करूं? राइट। तो आप एक्सपर्ट है पर्सनल फाइनेंस के, ऑलरेडी बैंकिंग सेक्टर से हैं, बैंकर आप रह चुके हैं और इस इंडस्ट्री में आपको बहुत एक्सपीरियंस है, काफी सारी किताबें आपने लिखी हैं। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम पूछना चाहते हैं कि क्या सच में कोई किसी व्यक्ति को ये समझा सकता है, सिखा सकता है कि उसके पैसे को कैसे मैनेज किया जाए? एब्सोल्युटली, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच फॉर योर इनविटेशन। सबसे बड़ी बात है ये सोचो कि पैसा आपने कमाया है जी, शरीर भी आपका है, लेकिन डॉक्टर के अगर बीमारी होती तो आप सॉल्व नहीं कर पाते, उसको डॉक्टर के पास जाते। तो आप हमेशा याद रखो कि पैसे को शरीर से आप तुलना करना शुरू करो। शरीर आपका है, बीमारी आपकी, तो आप सॉल्व कर सकते हो नहीं ना, आप डॉक्टर के पास जाते हो। तो उसी तरीके से पैसा भी होता है। अगर आपके पास पैसा है तो कोई आपको बताना पड़ेगा किसी को कि उसको कैसे मैनेज करना है, ग्रो करना है, प्रोटेक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है और सेव करना है। ग्रेट, एक बार दोबारा बोल दें सर, लोग सोचते हैं पैसा कमाया वही मेरा है, ग्रो करना है, प्रोटेक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, और पैसे से पैसा कैसे कमाना है? तो क्या होता है ना कि मेकिंग मनी इज ओनली वन पार्ट ऑफ द गेम, एक ही हिस्सा है। सेविंग मनी, ग्रोइंग मनी, मल्टीप्लाइंग मनी, प्रोटेक्टिंग मनी, इन्वेस्टिंग मनी इज अनदर पार्ट ऑफ द गेम। ग्रेट। अगर आप खाली पैसे कमाने पर फोकस करोगे और ये 4-5 आइटम नहीं करोगे, सेव करना, ग्रो करना, मल्टीप्लाई करना, प्रोटेक्ट करना, इन्वेस्ट करना, एक्सपेंड करना, तो आप आधा गेम जीत जाओगे जो कि आपने पहले जीत लिया है अर्निंग मनी, लेकिन ये लास्ट वाला गेम आप नहीं जीत पाओगे। तो मैच में अगर आपने खाली बॉलिंग करे हो और फील्डिंग बैटिंग अच्छी नहीं कर पाते तो पूरा गेम हारोगे। राइट। कई बार मैंने एक वीडियो में भी कहा था कि 1,00,000 रुपए महीने कमा के भी आप अमीर नहीं बन सकते, लेकिन 20,000 कमा के भी आप अमीर बन सकते हैं। Absolutely. इसके पीछे का साइंस आपको समझना होगा। Absolutely, सही बात है। लोगों ने कमेंट किया सर 1,00,000 रुपए कमाएंगे तो वैसे अमीर हो जाएंगे। हाँ। मुझे एक सवाल का जवाब दो। 1,00,000 रुपए महीना कमाने पर मैं ये मान लेता हूँ आप जितना कमाते हो उतना बचा लेते हैं। सही बात। 1,00,000 रुपए महीना ही बचाकर आप एक साल में कितना रुपए इकट्ठा करेंगे? 12,00,000। उसने कहा 12,00,000 रुपए। मैंने कहा पता है आपको पीतमपुरा में एक फ्लोर लेने के लिए कितने टाइम लगेगा? राइट। 10 साल में आपके होंगे 1,20,00,000। सही बात है। लेकिन यहाँ पर एक फ्लोर भी खरीदते हैं तो 2,50,000 रुपए की। एब्सोल्युटली। तो 20 साल लगाने के बाद आप एक फ्लोर खरीदने के लिए एलिजिबल होंगे 1,00,000 रुपए महीने बचा के, और तब तक इन्फ्लेशन अलग हो गया, और 20 साल बाद उस फ्लोर की वैल्यू क्या होगी? Right. तो आप वहीं स्टैंड करते होंगे जहां स्टैंड करते हैं। सही बात है। लेकिन कुछ लोग कम इनकम पर भी इस तरह से प्लानिंग करते हैं कि वो अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं और हर चीज को हासिल कर पाते हैं। सही बात है। तो क्या ऐसे बेसिक स्टेप्स हैं सर पर्सनल फाइनेंसिंग को लेकर जो एक व्यक्ति को हमेशा ध्यान रखने चाहिए, और कैसे अपनी इनकम को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना चाहिए ताकि वो सही तरीके से यूटिलाइज हो जाए? बहुत बढ़िया सवाल है। तो सबसे बड़ी बात है कि पैसा जो है टेक्निकल फिनोमिना नहीं है, ये बिहेवियरल फिनोमिना है। बहुत बार लोग 10,000 कमा करके भी करोड़पति बनते हैं, बहुत बार 10,00,000 कमा करके भी नहीं करते। तो आप कैसे बिहेव करते हो पैसे के प्रति, ये इंपॉर्टेंट है। ओके। तो हमारे कुछ रूल्स हैं, अगर आप कुछ रूल्स फॉलो करोगे तब आपको समझ में आएगा। तो आप सोचो ना, हमारे मम्मी पापा की तनख्वाह 5,000, 2,000, 1,000 रुपये था, अपन लोग 3-4-5 भाई बहन थे तब भी पूरा घर चलता था। आज हम लोगों की तनख्वाह या फिर बिजनेस से 3,00,000, 5,00,000, 10,00,000, 20,00,000 भी बन रहा है फिर भी नहीं मैनेज। इसका मतलब है कि बिहेवियर में चेंज आ गया है जी। और जितने बड़ी पॉकेट होती है उतना बड़ा ही छेद आपका हो जाता है। बिल्कुल। राइट। सो आप क्या करना है ना कि हमको रूल्स बनाने पड़ेंगे। अगर आप रूल्स अपने लिए नहीं बनाओगे तो आपके लिए दूसरे रूल बनाएंगे और आपको उन रूल्स के हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो जैसे मैं बताता हूं आपको कि आपका जितना भी इनकम है, 1,00,000 रुपए अगर कोई बना रहा है, क्या आप 10% अपना पैसा बचा सकते हैं कि नहीं? जी। पहला काम आपको यही करना है, क्योंकि 10% अगर आप बचा लोगे आज तो आपको ये 10% 40-50% गुना देगा एट द एज ऑफ 40, 50, 60, 70 जब आपको जरूरत होगी। तो कुछ रूल्स बनाओ। मैंने अपनी जिंदगी में 2 रूल बनाए। जब मेरी सैलरी 7,000 रुपए थी 2008-09 में, तब भी मैं 10% पर जाता था। जब मैंने नौकरी छोड़ी 75,000 रुपीज की, तब भी मैं 8,000 रुपए महीने बचाता था। जी। अब तो
सिचुएशन अलग हो गई कि करोड़ में धंधा हो रहा है, राइट। तो 10% अगर आप बचाते हो, उसको इन्वेस्ट करते हो प्रॉपरली, आपकी लाइफ सेट है। वो भी ऐसी जगह पर जहाँ पर वो पैसा ग्रो करे, ना कि डूब जाए। यस, कहते ना कि शॉर्टकट है कि यहाँ पैसा लगाओगे तो एक साल में 4 गुना हो जाए, राइट। तो वो क्या है ना, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है ना जहाँ पर आपको लगता है कि यार कल पैसा बना, और मेरे को ही पता है, आपको ही नहीं पता है जी। बहुत लोगों को पता है, लेकिन बहुत लोग आपसे बोलते नहीं कि उनका पैसा क्रिप्टो करेंसीज में, बहुत सारे प्रोडक्ट्स में, ऐसे मार्केट में प्रोडक्ट है जहाँ पर पैसा ग्रो बहुत जल्दी कर सकता है, लेकिन पूरा जा सकता है। तो मैं हमेशा ही प्रमोट करता हूँ, जो सरकार प्रमोट करती है वही आप लो, जो सरकार के रेगुलेशंस चलते हैं उसके हिसाब से करो। FD है, RD है, म्यूचुअल फंड है, स्टॉक मार्केट है, रियल एस्टेट है, गोल्ड है, 500 प्रोडक्ट हैं जो रेगुलेटेड है इंडस्ट्री के द्वारा, उनके ऊपर जाओ। और कोई भी बंदा वेल्दी नहीं बनता है पैसे से, बंदा वेल्दी बनता है टाइम से। तो जितना टाइम आप इन्वेस्ट करोगे इंडस्ट्री में, उतना ही पैसा आप बनाओगे। तो रूल्स कुछ आपको बनाने पड़ेंगे, 10% 15% ऐसी जगह लगाने हैं अपनी एज के हिसाब से, ताकि पैसा आपका इन्फ्लेशन, महंगाई से ज़्यादा बढ़े। जब आपका पैसा महंगाई से ज़्यादा पड़ेगा, तो जो एक्स्ट्रा पैसा बन रहा है वो आपका पैसा बनाएगा। और फिर कई बार अपने सेमिनार में भी बोलता हूँ, द वे यू डू वन थिंग द वे यू डू ऑल एवरीथिंग। कहता है अभी तो मेरी इनकम 50,000 है सर, तो मैंने 10,000 रुपये की EMI करके एक बाइक ले ली, 5,000 रुपये की EMI करके फोन ले लिया। जब मेरी इनकम 10 लाख हो जाएगी ना, तो फिर मैं ऐसा नहीं करूंगा। right. अगर आप 50,000 की इनकम में ऐसा कर रहे हो ना, तो 1 लाख की इनकम में भी वही करोगे, बस उसका आकार बढ़ जाएगा, बस और कुछ नहीं। फिर आपकी इनकम 1 लाख होगी, 5 लाख होगी, 10 लाख होगी, आप वही करोगे, बस आकार EMI का बढ़ता जाएगा। और रेशियो ऑफ सेविंग जो है ना, वो वही रह जाने वाली है। right. क्योंकि आपने EMI का बर्डन अपने ऊपर डाल लिया, आपको ढोते रहेंगे। राइट, आपके आकार के साथ साथ EMI का बर्डन भी, और आपके नेचर में चला जाता है EMI। जी, जब आपके नेचर में अगर EMI जा सकता है, तो आपके नेचर में सेविंग भी जा सकती है, लेकिन हम इसके ध्यान ही नहीं देते। और आपके नेचर में अर्निंग भी आ सकती है, तो हम अर्निंग और सेविंग और इन्वेस्टमेंट को छोड़ करके अपने नेचर में EMI को लेकर के जाते हैं। तो सर, पहला प्रश्न तो मेरा उन लोगों के लिए है जो पहली बार जॉब कर रहे हैं, दूसरा उनकी इनकम 15,000 रुपये से लेकर 20-25,000 के बीच में, क्या उनको EMI पर कई चीजें लेनी चाहिए, जैसे मोबाइल फोन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गए, बाइक्स हो गई, और कई ऐसे खर्चे वो पाल लेते हैं जो EMI में डूब जाते हैं, फिर वो सोचते हैं कुछ बच नहीं रहा है। पहला प्रश्न तो उन लोगों के लिए कि वो अपने 20-15,000 से लेके 25,000 की इनकम वाले जो लोग हैं, वो उस पैसे को कैसे मैनेज करें। सही बात, क्योंकि इनकम जितनी छोटी होगी, उसमें जो इनकम का कंजम्पशन उतना ज्यादा होगा। राइट, रेशियो ऑफ प्रॉफिट या रेशियो ऑफ सेविंग जो होगी बहुत कम होगा। राइट, जैसे जैसे इनकम का दायरा बढ़ता जाएगा, तब आपका प्रोपोर्शनेट रेशियो भी बढ़ेगा। राइट, तो कैसे डिसिप्लिन मेंटेन करना है, क्यों हमें EMI को प्रेजेंटली अवॉइड करना है, और कैसे हम भविष्य में अपने सपने को कम इनकम से भी पूरा कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, एक एक बताता हूँ। तो 15,000 से 25,000, 30,000 की जिसका तनख्वाह है, तो उसको सिंपल ये देखना है कि कोई ऐसी चीज़ वो खरीद रहा है जो हमारे लिए बिजनेस में या हमारे को सेविंग करा के दे। एसेट और लाइबिलिटी, राइट। तो हमने अगर बाइक ले ली है और बाइक से हमारा 2,000 रुपये महीने का बच रहा है, या टाइम बच रहा है, हमको खरीदनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो खरीदो आप, क्योंकि वो आपके लिए काम आएगी, लेकिन दूसरे को दिखाने के लिए नहीं। हमारा जब 15,000 रुपये के फ़ोन से काम चल सकता है, 3,000 रुपये की EMI हैगी, और उससे हम बिजनेस भी कर सकते हैं, तो खरीदो। लेकिन 70,000 रुपये का अपने दोस्तों को दिखाने के लिए 3,000-5,000 रुपए की EMI, वो इट डजंट मेक एनी सेंस। तो ये पहला तो अपने को ये सोचना पड़ेगा कि जो चीज हम खरीद रहे हैं वो हमारे लिए लायक है कि नहीं अभी, और उसका इस्तेमाल करके हम अगले 3 से 4 सालों में कैसे पैसा रिकवर करके उससे पैसा बना सकते हैं। Great. तो ये पहले आपकी चीजें भी आपकी पॉकेट में पैसा डालनी चाहिए। Great. तो ये पहला काम करना है, और एकदम आसान है। आपको जिंदगी में कुछ रूल बनाने पड़ेंगे, जिसके आपके अगर तनख्वाह 15,000 से 25,000-30,000 है, 10% से 15% बचा लो आप, हर आदमी कर पाएगा। आप ये सोचो कि आपको कंसिडर करना पड़ेगा एक्सपेंस एज अ सेविंग। दाल चावल चीनी चाय बिस्किट का भाव बढ़ रहा है, तो आप ये भी सोचो कि आपका सेविंग जो ना एक तरीके की चाय है, एक तरीके की उसी रेशियो में बढ़नी चाहिए। बस अगर आपने ये सोच लिया, और वो ऑटोमेटिक होना चाहिए। लोग गलती पता है क्या करते हैं, लोग डिसिफर नहीं कर पाते हैं डिफरेंस बिटवीन नीड एंड वांट। नीड का मतलब क्या होता है, जिसके बिना काम नहीं चल सकता, खाना पीना ये सब कुछ। वांट का मतलब है, आईफोन हमारा वांट है आज, 15,000 के फोन से भी काम चल सकता है। कोट पहना हुआ 40,000 रुपए का, तो वो भी हमारी वांट हो सकती है, 3,000 से भी काम चल सकता है। बेस्ड ऑन इनकम टू इनकम। एब्सोल्युटली। बड़ा अच्छा एग्जांपल मुझे इसका याद आया, हमारे ना फैक्ट्री में काफी सारे मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स हैं, तो दो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स का मैंने कंपैरिजन देखा। एक की सैलरी 30,000, एक की 35,000। जिसकी सैलरी 30,000 रुपए है ना सर, उसने थोड़े से 50,000 रुपए करीब इकट्ठा करके और 2.5 लाख रुपए की बाइक खरीदी। वहीं दूसरा व्यक्ति, इसकी 35,000 रुपए सैलरी है, उसने 20-30,000 रुपए इकट्ठा करके एक छोटी सी जो प्लेटिना बाइक आती है, जिसकी एवरेज भी 70-80 की होती है, वो खरीदी। अब वो कहता है यार तेरी सैलरी मुझसे कम है, लेकिन मैं तो उससे अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जी रहा हूँ। उसने कहा थोड़े दिन बाद देखते हैं। जो उसकी गाड़ी का मेंटेनेंस एंड एवरेज है उस व्यक्ति का, जिसने वो
लाख रुपए की बाइक, उसके पहले तो गाड़ी की एवरेज ही 20-25 हज़ार, राइट, वो भी ज्यादा मैंने आपको बताया, सही बात है, उसकी 70-80 है। धीरे धीरे देखा गया कि उसने जितना पैसा एक्स्ट्रा खर्च किया उसकी वजह से वो लॉस में आना चला गया, उसका इंश्योरेंस भी ज्यादा लग रहा है, उसकी मेंटेनेंस ज्यादा लग रही है, उसकी रनिंग कॉस्ट भी ज्यादा लग रही है, सही बात, क्योंकि उसने एज ए वांट खरीदा, राइट, और दूसरे एग्जीक्यूटिव ने एज ए नीड खरीदा, तो नीड की वजह से उसका सारा खर्चा जो ट्रांसपोर्ट में लगता था 3,000 रुपए, वो बस से ट्रैवलिंग करके ऑटो से आता जाता था, मैच कर लिया उसने, 2500 रुपए में होने लग गया, 500 रुपए की सेविंग करने लग गया, एब्सोल्युटली, और ओवर द पीरियड उससे कई गुना आगे बेहतर निकल गया, राइट, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी नीड एंड वांट्स के बीच में आप डिफरेंस, और दूसरी बात ये भी सोचना है ना कि आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो तो 3 से 5 साल का उसका सोचो, क्योंकि आपको लगता है कि 3 लाख की कार खरीद ली, 5 लाख की, 10 लाख की, 20 लाख की कार खरीद ली, लेकिन उसका रनिंग एक्सपेंसेस कितना है जी, तो वो भी आपको EMI में काउंट करना पड़ेगा, इंश्योरेंस का, मेंटेनेंस का, ड्राइव, अब बंदा अगर आप सोसाइटी में रहते हो तो करीब 1,000 रुपए वो खाली क्लीनिंग का लेकर जाएगा, वो आप करते ही नहीं हो ना, बोलते ना कि समोसा खाते उसके साथ में चटनी और मिर्चे अलग से आते हैं ना, बट वी डोंट फोकस ऑन दैट वन, एंड दैट कैन इंक्रीज द आपका वो टेस्ट बढ़ा सकते हैं, राइट, तो वही एक्सपेंस बढ़ा देते हैं आपको और आपको पता भी नहीं चलता, तो ये लीक आपके पॉकेट में जो है ना एक छेद है और वो छेद से पैसा निकल रहा है, तो अगर आप वो छेद फिल नहीं करोगे तो चाहे 1 करोड़ रुपए डाल दो, चाहे 10 करोड़ रुपए डाल दो, वो निकल के जा रहा है, तो रादर द फिक्सिंग द होल इन द पॉकेट, पीपल ट्राई टू पुट मोर मनी इनटू द पॉकेट। एक पॉइंट तो ये हुआ सर कि उनको 15 से 20% या 10 से 15% के बीच में सेविंग करनी चाहिए। हाँ, पहला नियम यही होना चाहिए कि जैसी आपकी सैलरी आए, जैसी आपकी इनकम आए, तो खर्चा करने से पहले आप एज ए EMI जैसे देते हैं, बस वैसे वो पैसे पहले कटे, उसके लिए डिसिप्लिन होना चाहिए, जैसे EMI में डिसिप्लिन वैसे सेविंग और इन्वेस्टमेंट में डिसिप्लिन, बस सिंपल। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि उसका डिसिप्लिन ऐसे मेंटेन करो कि अगर किसी दिन नहीं किया तो पेनल्टी देनी पड़ेगी, जैसे EMI पर देनी पड़ेगी, एब्सोल्युटली, एकदम सही, पेनल्टी जाएगी ना, आपको ध्यान रहेगा ये पैसा इन्वेस्ट करना, और जो आप बोल रहे हो सब कॉमन सेंस है लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है जी, right. तो ये तो रही पहली बात, yes. दूसरा स्टेप क्या होना, दूसरा स्टेप है ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पर महंगाई से ज्यादा आप पैसा बना सको, 6 से 7-8% आप महंगाई है, CP जिसको बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और WPI, और तीसरी चीज़ तीसरे वो इन्फ्लेशन होती है उसको कॉल्ड लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन, मोबाइल फोन खरीद लिया, जूम, नेटफ्लिक्स, हाँ ये सब, तो उसमें क्या है ना कि आपके पैसा निकल रहा है, तो आप अगर 8 से 12% अगर बनाओगे तब जाकर के इन्फ्लेशन को बीट कर पाओगे, तो चूज करो ऐसे इंस्ट्रूमेंट जहां से आप 10%, 12%, 15% बनाओ। कोई सर ऐसे 2-3 इंस्ट्रूमेंट जरूर बताएं, क्योंकि लोग कहते हैं ना ये चीज तो मुझे पता है पर मैं करूं क्या, मुझे उसका सोल्यूशन बताओ, तो कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं? तो बेसिकली 2-3 इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि आप रियल एस्टेट में 10-20 लाख रुपए लगा के कुछ कर नहीं पाओगे, तो उतना पैसा है नहीं आपके पास, तो क्या आप 500 रुपए का SIP म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो, लार्ज कैप में जाओ, बड़ी कंपनियों में रिलायंस, टाटा, इन सब में म्यूचुअल फंड लो, निफ्टी में चले जाओ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है गूगल में जाओ, लिख दो top 5 परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड, खरीद लेने का, 500-500 रुपए महीने का डालने का, सो जाने का, कैपेबिलिटी आपके इनकम का 10% हर महीना डालने का फंड में, SIP में, कोई ऐसा स्टॉक जो लगता है कि हाँ भाई इसकी ग्रोथ की संभावनाएं बहुत अधिक है, उनको खरीद, और भूल जाने का, फिर सो जाने का, रोज रोज नहीं देखने का आपको, क्योंकि आप ये पैसा आपका ऐसा होना चाहिए कि आपको मरते दम तक इसको टच नहीं करना है, ये कमिटमेंट अपने से होनी चाहिए, तब आप देखोगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग 5 साल 10 साल 20 साल के बाद में हो रहा है। और मैं बोलता भी रहता हूँ, जब आपके पास पैसा होता है तो लोग आपको पैसा देते हैं, जब आपके पास लोन होता है तो आपको लोग लोन देते हैं। देते हैं, और वो भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। हाँ, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हम अपना मनी मैग्नेट मशीन कैसे बन सकते हैं, तभी जब आपके पास पैसा होगा तो लोग आपके पास इन्वेस्टर भी आएंगे, फिर आपको बताएंगे कि पैसे से पैसा कैसे बन सकता है। तो ये आपको ये म्यूचुअल फंड में डालो, इक्विटी में डालो डायरेक्टली, और अगर आपको नहीं आता है तो यूट्यूब में 500 वीडियो हैं, देखो समझो, आपको एजुकेशन की जरूरत है, माइंडसेट की जरूरत है कि भाई इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो ये इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा तीसरा चीज़ होता है बहुत इंपॉर्टेंट, उसको प्रोटेक्शन, पैसे का प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक गलती आप करोगे 3 से 5 साल पीछे जी, एक कार खरीद ली आपने, एक प्लॉट खरीद लिया, कुछ भी लीगल ऊपर नीचे हो गया, 3-4-5 साल की आपने, अरे सर कई बार तो प्रॉपर्टी के केस में जिंदगी डूब जाती है लोगों, खत्म, जिंदगी में जितनी प्रॉपर्टी इकट्ठा किया था वो सब लगा दिया एक बार में और एक झटके में साथ। हाँ, अब चल रहे हैं लीगल, अब आपको पता है कि जब आपके बेटा हो जाएगा, उसकी शादी हो जाएगी, उसका भी बेटा हो जाएगा, तब जाके तो उसका राइट जजमेंट आएगा, राइट। तो फिर आपको क्या करना है, अपनी असेट को भी प्रोटेक्ट करना है, और असेट आपकी हेल्थ हो सकती है जी। आपको पता है इंडिया में सबसे ज्यादा गरीबी का एक कारण यह है कि लोगों के पास में इंश्योरेंस नहीं। अगर एक बंदा गरीब लोगों के घर में बीमार पड़ जाता है 2-4-10 लाख रुपए लग जाते चले जाते, और वो खेत बेच करके, जमीन, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, तो वो सब बेच करके अब उसको फिर रिकवर करने के लिए मामला गड़बड़। तो एक हेल्थ इंश्योरेंस है ना 10-15 हज़ार 20 हज़ार रुपए का, कम से कम आपके घर में हस्बैंड वाइफ मम्मी पापा 4-5 लोग हैं, अगर कोई भी बीमार पड़ गया तो कम से कम वो। एक बड़ी मजेदार बात आपको बताता हूँ, इंडिया में एक टेंडेंसी है ऐसी, मैं कहीं बैठा हुआ था तो एक व्यक्ति ने कहा यार वो ब्लड टेस्ट कराया मैंने, मैंने कहा ठीक है ये तो अच्छी बात है,
अरे यार क्या फायदा हुआ, कुछ आया ही नहीं उसमें। मैंने कहा मतलब 2500 रुपए खर्च कर दिए टेस्ट कराने में, कुछ बीमारी भी आनी चाहिए। हाँ, ये जरूरी है क्या? उसको लगा कि मेरे पैसे वेस्ट हो गए। मैंने कहा वेस्ट नहीं हो गए बेटा, जो अगर बीमारी होती जो पैसे लग सकते थे वो बच गए। कम से कम अवेयर हो भी आप। लोग कहते ना मैंने मेडिक्लेम ले लिया, क्या फायदा हुआ, साल भर में कुछ हुआ ही था। पैसे देने का तो कुछ होना चाहिए था उसे। और जब होगा तब आप ले नहीं पाओगे। तब ले नहीं पाएंगे। तो फिर ऐसा, अब जब आपका एक्सीडेंट होता है तब आप हेलमेट नहीं पहनते हो, पहले से पहन के जाते हो, सीट बेल्ट आप पहनते पहले से ही हो, क्योंकि एक बार अगर गलती हुई तो काम लग गया आपका, तो फिर वो तो ये प्रोटेक्शन है। तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, इनकम प्रोटेक्शन प्लान लेना चाहिए, और अपनी जिंदगी को सोचो कि अगर मैं नहीं रहूंगा तो हमारे बीवी बच्चे पैसे हाउ दे आर गोइंग टू बी मैनेजिंग द होम स्टफ, ये आपको पहले करना पड़ेगा। तो आप सेविंग करो, इसके बाद में फिर प्रोटेक्ट करो। सरकार बोलती है टैक्स प्लानिंग करो, टैक्स प्लानिंग करो, इतने ऑप्शन सरकार चाहती है आप अमीर बनो जी। टैक्स प्लानिंग करो, और लोन है तो उसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हो, सबसे पहला काम आपको करना है रिटायरमेंट प्लानिंग करना है, और 10% जो लगा रहे हो ना पहले वाला डालो ना रिटायरमेंट प्लानिंग में, उसको टच ही नहीं करना है। फिर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करनी है आपको कि अभी मेरे पास में 2 बच्चे हैं तो उसका प्लानिंग कैसा होना चाहिए, घर लेना है, कार लेना है, मम्मी पापा का हेल्थ का कैसा, तो ये फिर इसके बाद में ट्रैवलिंग प्लान आपके हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप करते हो तब आप पर्सनल फाइनेंस में अच्छे रहते हो। एक गलती आप करोगे ना 5 साल 10 साल पीछे, और फिर बोलते हैं ना कि अगर एक गलती करते हो तो फिर आप विशेष साइकिल में चले जाते हो। उसे कई बार युवाओं को ये कहते हैं ना कि आप फ्यूचर की प्लानिंग करो, आप ओल्ड एज की प्लानिंग करो, रिटायरमेंट की प्लानिंग, तो बड़े घमासान मचा देते हैं वो कमेंट्स में, राइट, कि 20 साल बाद का बता रहे हैं आप, तो 30 साल बाद का बता रहे हैं। तो मैंने कब कहा कि आप 10% ही बचाते रहो, 15 बचाओ, 20 बचाओ। अब इम्पोर्टेंट क्या है, अगर आपकी सैलरी 20,000 रुपए है तो आप बचाओगे ही 2,000 रुपए। सही बात। तो ट्राई टू इंक्रीज योर लेवल ऑफ इनकम, एब्सोल्युटली, और उसी रेशियो में जब प्रोपोर्शनेट आप बढ़ाएंगे तो वो पैसा जल्दी मल्टीप्लाई होगा। एकदम सही, एकदम सही। धीरे शुरू करो, मेरा कहने का मतलब है कि वेल्थ इज ऑलवेज बिल्ट ऑन द लॉन्गर रन। तो अगर आप ज्यादा नहीं कर सकते तो थोड़ा करो, लेकिन लंबे समय तक के लिए जाओ, देखो आप वेल्दी कैसे बनोगे। तो ये तो बात रही उन लोगों के लिए जिनका इनकम स्लॉट बहुत छोटा है। कई बार क्या होता है, ये भी देखा गया है लोगों का इनकम जो स्लॉट है वो काफी अच्छा है, बड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, वो 1 लाख से लेकर 4-5 लाख रुपए महीने कमा के भी हमेशा उसी चक्कर में फंसे रहते हैं, राइट, यार ये ईएमआई जानी है, घर की ईएमआई जानी है, गाड़ी की ईएमआई जानी है, राइट, क्योंकि वो अपनी काबिलियत से, अपनी औकात से ज्यादा महंगी चीजें खरीद लेते हैं। सही बात है। तो उनके लिए क्या सजेशन है, और कैसे वो इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करें, और कैसे लाइफ को और सेफ बने? तो जो जैसे मैंने आपको बताया कि मनी इज नॉट अ टेक्निकल फिनोमेना, इट्स अ बिहेवियरल फिनोमेना। आपकी 10,000 की तनख्वाह है तब आप कैसे बिहेव करते हो, और 1 लाख का है तो, और हम लोग जब बड़ा बन जाते हैं ना तो अपने ओहदे पर ज़्यादा गौर करते हैं। आपको जानकर हानि रहे, हमारे पास 4,000 कस्टमर्स हैं, हमारी कंपनी का नाम वेल्थ एक्सेलरेटर हब है, वहाँ पर 4,000 लोगों में से कम 1500 डॉक्टर्स हैं, एंड डोंट कंसिडर कि छोटू मोटू डॉक्टर, MBBS PhDs, ब्रिलियंट पीपल, देर आर कपल ऑफ साइंटिस्ट, ब्रिलियंट पीपल, बट दे आर नॉट, बिकॉज अपने उन्होंने अपना डॉक्टरी लिया है तो उस हिसाब से अपना स्टेटस मेंटेन कर रहे हैं। चाहिए नहीं अपने को, क्योंकि आपकी आप डॉक्टर हो तो हो सकता है आपकी तनख्वाह 50,000 है, एक डॉक्टर उसकी 5 लाख हो, एक आप छोटे फिजिशियन हो, एक हो सकता है 5 लाख सर्जरी का लेते हो। बट इफ़ यू वॉन्ट टू कंपेयर बिटवीन देम, वी कीप सेइंग दैट डोंट मैरी द एम्बिशंस बिटवीन योर एम्बिशंस एंड माई एम्बिशंस। अपने एम्बिशंस में अपने को मैरिज नहीं करनी है, अपने का जो पैसा है उसका हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और लोग बहुत बार दिखाने के लिए वो करते हैं। तो आपको रूल्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि पैसा आपकी जिम्मेदारी, में बोलता रहता हूँ कि योर पर्सनल फाइनेंस इज योर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये किसी की जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी आपको खुद लेनी पड़ेगी। हाँ, और आपका पैसा आपका पैसा है, आपने दूसरे की कार देख करके अपना लोन ले लिया और राइट, तो आपको ये नहीं करना। तो पहले ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपकी कैपेसिटी क्या है। अब ये मत सोचो कि फ्यूचर इनकम पर आप प्रेजेंटली में कार ले रहे हो, तो आपको पहले ये सोचना पड़ेगा 1 लाख रुपए 50,000 रुपए से लेकर के 2 लाख 3 लाख 5 लाख रुपए वाला जो ब्रैकेट है ना, उनको पहले यही सोचना पड़ेगा कि हम अपनी इनकम को कैसे ज़्यादा बनाएं, क्योंकि उनके पास में एक बहुत बड़ा टूल क्या है, पैसा है, जो कि अपनी लर्निंग पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, और लर्निंग की ग्रोथ 100 गुना 1000 गुना दे सकती है। मैंने अपने लर्निंग पर, मेरी सैलरी 75,000 रुपए थी जब मैंने नौकरी छोड़ी 2 साल पहले, आई वॉज वर्किंग विद स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, 75 लाख रुपए का रेवेन्यू कर रहा हूँ। पूछो क्यों, ज़्यादा पैसा उस समय मैंने कोई लाइबिलिटी नहीं ली, मेरे पास होम, मेरे पास घर नहीं था, मेरे पास कार लोन नहीं है, कुछ भी लोन नहीं था, तो जो पैसा मैं 10-20-25% बचाता था वो अपने ऊपर इन्वेस्ट किया, और यही इन्वेस्टमेंट हमको बहुत ज़्यादा लेकर के चला गया। तो जब आपके पास में, बोलता भी रहता हूँ कि जब आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा हो ना, तो आपको गाड़ी और तेज चलानी चाहिए, तो अपनी लर्निंग पर लगा दिया, तो अपनी कैपेसिटी जब बढ़ा ली पैसा बनाने की, तो 5 लाख की जगह अगर 10 लाख कमाने लगोगे तो 5 लाख पूरा खर्चा कर दोगे, तब भी 5 लाख की सेविंग हो जाएगी ना जी। और इसमें हिम्मत चाहिए। क्या सजेशन देना चाहेंगे उन लोगों को सर जो बहुत बड़ी लाइबिलिटीज को साथ में लेकर चलते हैं, अच्छी इनकम होने के बावजूद भी महीने का एंड आते आते उनके चेहरे पे एक मायूसी आ जाती है। सही बात है यार,
28 तारीख आ गई है, 25 तारीख आ गई है, राइट, और अब 1 तारीख के आसपास 1 से 10 के बीच में पैसे आएंगे, पर 8-10 दिन कैसे निकालूं, राइट, हाँ। मतलब वो उस समय भी रिस्क गेम पर होते हैं कि यार अगर ये ठीक से नहीं निकले तो कुछ भी हो सकता है। तो उनको यही काम करना है, पहले अपने को पैसे को ट्रैक करना है। अगर आप अपने पैसे को देखोगे ही नहीं और ब्लेम करते रहोगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। पहले तो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, पेपर पेन पे लिखना पड़ेगा, हस्बैंड वाइफ दोनों लोग बैठना पड़ेगा कि कितना पैसा कहां जा रहा है, बिस्किट दाल चावल चीनी चाय स्कूल फीस मेडिकल स्कूल्स कहां कहां पैसा जा रहा है। अब देखो, क्योंकि सबसे बढ़िया सेविंग का तरीका है कि अपने एक्सपेंस कर दो, तुरंत कम कर दो। अगर 2,000 रुपये 3,000 रुपये भी कम कर रहा है, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन आपको अवेयरनेस आ गई। जैसे ही आपको अवेयरनेस आ गई ना, आपको एक्सेप्टेंस आ जाए कि मैं कर सकता हूं। द मोमेंट यू गॉट द एक्सेप्टेंस यू विल हैव अ पावर टू टेक एक्शन। द मोमेंट यू स्टार्ट टेकिंग एक्शन थिंग्स विल स्टार्ट फॉलिंग इन प्लेस। तो अचानक से कुछ नहीं करना है, आप 15 दिन का, 1 महीने का, 2 महीने का देखो कि ट्रैकिंग में क्या रहा है और कहां लीकेज हो रहा है। आप लीकेज को फिक्स कर लोगे ना तो आपकी टंकी भरेगी, लीकेज नहीं फिक्स कर पा रहे लोग। प्लस दूसरी चीज ये, आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि आप एक सोर्स ऑफ इनकम बना चुके हो, दूसरा सोर्स ऑफ इनकम कैसे बनाना है। तो आप 3 तरीके से फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। मैं बोलता भी रहता हूँ कि कितने लोग 2025 तक फाइनेंशियली फ्री होना चाहिए। आपकी इनकम भी ग्रो होनी चाहिए, आपका पैसा भी पैसा बनाना चाहिए जी। और आपका लोन की EMI भी पैसा बनाना चाहिए। कैसे बनाते हो ये थोड़ा टेक्निकल चीज़ें हैं, लेकिन यह जब 3-4 तरीके से अटैक करते हो तब आपको लगता है कि आपकी इनकम ज़्यादा हो गई है और लोन कम है। दूसरी चीज़, बहुत लोग फोकस करते हैं लोन पे, तो जब जिस चीज़ पे फोकस करते हो वो चीज़ बढ़ेगी। तो EMI बोलते रहते, भगवान बोलते बढ़ती रहता। अब अगर आप सेविंग करोगे, सेविंग इन्वेस्टमेंट मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम, कैसे पैसे ज़्यादा बना सकते हैं, भगवान बोलेगा इधर तथास्तु। एंड द मोमेंट आपकी इनकम बढ़ जाती है, सेविंग बढ़ जाती है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है, और लोन तो वही रहेगा, क्योंकि लोन आपकी ज़िंदगी में टेम्परेरी है, इनकम आपकी ज़िंदगी में परमानेंट है। तो परमानेंट बढ़ाओगे, टेम्परेरी चीज़ बढ़ाओगे, ठीक बात। बस अब जैसे ये लोन आपने बोला तो लोन से एक बड़ा सा सवाल आता है, काफ़ी सारे लोगों के मन में ये होता है कि भाई लोन ले या ना ले, उसके पीछे एक ही फैक्टर है कि गुड लोन है या बैड लोन। एक ही लोन एक व्यक्ति के लिए गुड हो सकता है, एक के लिए बैड हो सकता है, राइट। तो थोड़ा सा इसके बारे में डिफाइन करें कि मैं या कोई भी व्यक्ति अगर लोन लेना चाहे तो पहले ये कैसे आइडेंटिफाई करे कि मेरे गुड लोन है या बैड लोन। देखो, पहले तो जितना मेरे को लगता है, अभी तक जितना मैंने 15 साल की नौकरी में देखा है, लाखों कस्टमर सर्विस देने के बाद में, कि लोन जो है ना हमेशा इमोशनल डिसीजंस पे आता है। कार आप इमोशनल लेते हो, इमोशनल डिसीजन है, क्योंकि आपकी बीवी बोलती है मेरे को कार चाहिए। घर लेते हो 50 लाख 1 करोड़ का, वो आपका इमोशनल डिसीजन है। 25,000 रुपये के रेंट पर भी रह सकते हो ना, क्योंकि मेरा घर है, मेरे सर के ऊपर छत है, मेरे आज भी मेरे पास में, मैं रेंटेड अपार्टमेंट में रहता हूँ, 10 करोड़ रुपये से ज़्यादा रेवेन्यू क्रिएट कर चुका हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है कि अगर 1 करोड़ का घर लेंगे, उसको अगर 10% से भी इन्वेस्ट करेंगे 10 लाख रुपये आएगा, और अपार्टमेंट में मैं 40,000-50,000 रुपये दे सकता हूँ, 6 लाख, तब भी 4 लाख बचेगा ना। मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को आई वॉन्ट टू ट्रैवल अक्रॉस ग्लोब, मैं हैदराबाद दिल्ली कलकत्ता मुंबई कहीं पर भी शिफ्ट हो सकता हूँ। तो आपको ये सोचना पड़ेगा, फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास, फ्लेक्सिबिलिटी है, जहाँ आपको लगता है मेरा ये स्टेट में अच्छा रेवेन्यू है। और कभी ऊपर नीचे होगा बिजनेस में, तो छोटे सिटी में शिफ्ट हो जाएंगे, 3 BHK जगह 2 BHK में शिफ्ट हो जाएंगे। तो पहले लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि 5 साल का प्रोजेक्शन क्या है आपका, ले क्यों रहे हो, इमोशंस को लॉजिक से हटा दो आप। तो आप फ्यूचर का एक्सपेंडिंग करंट में नहीं कर सकते हो, फ्यूचर का इनकम आप करंट में स्पेंडिंग नहीं कर सकते हो। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि 3-4-5 साल में उसका रिपरकशन हमारी ज़िंदगी में क्या होता है। बैड लोन और गुड लोन कुछ होता ही नहीं है, आपके इंटेंशंस क्या हैं उस चीज़ के लिए, और आप लॉजिकली कैसे उसको कॉन्क्लूड करते हो। क्योंकि बाद में आपका बैंकर ये नहीं पूछेगा, अच्छा मम्मी ने बताया था माफ़ कर देते हैं, बीवी ने बताया था लोन ले लो तो माफ़ कर दे, नहीं। तो आपको लॉजिकली करना पड़ेगा, क्या वो चीज़ हमारे हिस्से में है कि नहीं है, पहला बात ये। दूसरा बात है, आपको ये सोचना पड़ेगा कि हमारे पास अलग भी गोल हैं, आपके बच्चे का पढ़ाई, बच्चे का एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन, आपको ट्रैवलिंग करना है, बच्चे का हैप्पी बर्थडे आएगा, मैरिज आएगी, सब ड्रामा होंगे ना आपकी ज़िंदगी में, उसके लिए पैसा कहाँ जाएगा। घर ही बहुत बड़ी बात नहीं है, कार ही बहुत बड़ी ना, इसके अलावा आपको जीना है ज़िंदगी, और हम लोन में जीते हैं। तो बहुत बार ये होता है ना, इंप्लॉय लोग या तो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे होते हैं या तो बैंक के लिए काम कर रहे होते हैं। तो ये बार तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि इसका 4-5 साल और 10 साल में क्या रिपरकशंस होगा, फिर आप डिसीजन लो, कोई दिक्कत नहीं। अब बिजनेसमैन आईफोन लेकर ही जाएगा ना, ताकि उसको बड़ी डील मिले, वो छोटू फोन नहीं रख सकता है, उसके लिए इन्वेस्टमेंट है, और हमको दिखाना नहीं। आज के टाइम पर सर डिजिटल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है, आज के समय पर लोग आईफोन को एज ए टूल, हाँ, बिजनेस टूल, मनी, एब्सोल्युटली। लेकिन जो लोग उसको देखकर इंस्पायर होकर कि यार ये बंदा तो मोबाइल फोन ये वाला यूज कर रहा है, चलो मैं भी ले लेता हूं, उसके लिए वो लायबिलिटी, किसी के लिए एसेट है, किसी के लिए लायबिलिटी, एब्सोल्युट। तो आपको ये पहले सोचना पड़ेगा कि मेरा इंटेंशन क्या है। और ये, और दूसरी बात है, हर चीज को आप टाइम और पैसे से तुलना करो जी। ये प्रोडक्ट हमारे टाइम और पैसे के लायक है कि नहीं, और मैं उसको बोलता हूँ मनी इज अ लाइफ एनर्जी।
अगर 50,000 रुपए का फोन मैं खरीदा हूँ तो मैंने अपने कितने घंटे उस वाली चीज में इन्वेस्ट कर दी। एक बंदा 25,000 की तनख्वाह है, 50,000 का फोन ले रहा है, दो महीने का सैलरी। और बॉस अगर एक बार टूट के गिर जाता है ना तो 3,000 रुपए का, 5,000 रुपए का रिपेयरिंग कॉस्टिंग या फिर जो ऊपर स्क्रीन चला गया, तो आप वो चीज़ें आपके साथ में आती। तो आपको ये कॉन्शियस होना कि मेरी लाइफ की एनर्जी, दैट्स कॉल्ड मनी इज लाइफ एनर्जी, तो आपकी एनर्जी का कितना परसेंटेज हिस्सा आपके एक चश्मे पर, एक फ़ोन में, एक सूट में, एक वॉच में, एक मोबाइल फ़ोन में, कार में जा रहा है। जिस दिन आपको अंदर ये कॉन्शियस आ गया ना जी, नोबडी कैन बीट यू इन द मार्केट, आप पैसा बनाओगे मार्केट में। और सर पांच ऐसी बातें फाइनेंशियल लिटरेसी की जो आप लोगों को गाइड करें कि भाई ये बातें आपको जरूर जीवन में ध्यान रखें। तो बचपन में आपको याद होगा हम लोगों को मम्मी पिगी बैंक देते थे, गुल्लक देते थे ना मिट्टी की, उसमें 2 रुपए 5 रुपए हम लड़ते, अभी कहाँ है, नहीं है। तो वो इमोशनल कनेक्ट था। तो पांच चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या कर सकते हैं। पहले पिगी बैंक इंस्टॉल करो अपने घर में, क्या उसमें 2 रुपए डाल सकते हो आप, 5 रुपए डाल सकते हो क्या आप, डाल सकते हो ना, डालो, क्योंकि मनी इज सेविंग इज अ हैबिट, सिमिलरली स्पेंडिंग इज ऑल्सो हैबिट। अब आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपने स्पेंडिंग ज़्यादा बार करी है कि सेविंग ज़्यादा बार करी है। तो आप जो ज़्यादा बार प्रैक्टिस करोगे वही आप बन जाओगे। योर फ्रीक्वेंसी बिकम्स, वट एवर यू डू फ्रीक्वेंटली इट बिकम्स योर फ्रीक्वेंसी। तो सेविंग का करो, 5 रुपए 10 रुपए 20 रुपए। और ये गेम बनाना पड़ेगा अपने फैमिली में, हस्बैंड वाइफ मम्मी पापा सब लोग पिगी बैंक लेके 5 रुपए डालने का। आप सोचो अगर आपने 5 रुपए डाल दिए तो आपकी एनर्जी ऊपर होगी नीचे होगी? बिल्कुल। बच्चा क्या सोचेगा यार मेरे को करना है, तो फिर आपको पैसा करना, 2 महीने 3 महीने में देखोगे आपके पास 4-5 हज़ार रुपये हो जाएंगे, आपको अंदर से मज़ा आएगा। पहला काम ये। दूसरा, आपका जैसे ही सैलरी आता है, 5 तारीख को सैलरी आया, 1 तारीख को सैलरी आया, ऑटोमेटिक सिस्टम बनाओ कि उसका 10% हिस्सा चला जाएगा अपने इन्वेस्टमेंट में, NPS में, PF में, PPF में, जहां जाना है जाए, कोई फर्क, उसको आपको टच ही नहीं करना मरते दम तक। दूसरा ये काम हो गया। तीसरा, आपके पैसे को प्रोटेक्ट करना है, अपनी हेल्थ को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि एक तरीके का हेल्थ ही आपका वेल्थ है, तो आपको वो प्रोटेक्ट करना है। इंश्योरेंस ले लो, हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, लाइफ इंश्योरेंस ले लो, ताकि अगर आप नहीं रहो, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहे, तो आपके वाइफ या फिर आपके पेरेंट्स या फिर आपके बच्चे 4-5 साल 10 साल अच्छी ज़िंदगी जी लें उसी सेम लाइफ स्टाइल में। चौथा होता है, आपको इन्वेस्टमेंट करना है प्रॉपरली, सो दैट आपके फ्यूचर गोल्स अकॉम्प्लिश हो सके। अब उस इन्वेस्टमेंट में भी 10,000 रुपये हैं तो 5,000 रुपये आप लगाओ जहाँ पर रिस्क ज़्यादा हो और रिटर्न भी ज़्यादा हो, और ऐसा जहाँ पर मीडियम रिटर्न हो और रिस्क ज़्यादा ना हो, वो आपको करना है। और पाँचवा, आपको रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है। रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं करोगे ना, आज तो हम लोग कलयुग में जिंदा हैं, 60 साल के बाद में पीपल विल नॉट बी टेकिंग केयर। हम लोग कितना चाहते हैं, हम लोग अभी, मैं लखनऊ से हूँ, मैं बैंगलोर में हूँ, आई कैन नॉट गो एवरी डे टू टेक केयर ऑफ माय पेरेंट्स, राइट। और अगला 10 साल 20 साल के बाद में ये प्रथा और भी बदलने वाली है। तो आपको अपना रिटायरमेंट का, क्योंकि आप और आपकी वाइफ ही दोनों लोग साथ में रहने वाले सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम, 25-30-40-50 साल, मम्मी पापा आएंगे जाएंगे, बच्चे आएंगे जाएंगे, लेकिन तो आप उनके लिए कैसे कर रहे हो, दोनों पहियों को कैसे लेकर के जा रहे हो, ये इंपॉर्टेंट। और उसकी नींव आज आप 5% 10% से शुरुआत कर सकते हो, वो पैसा आपको टच ही नहीं करना, नो मैटर व्हाट। और फिर इसके बाद में आपके जो पर्सनल गोल्स हैं, मतलब बच्चे की पढ़ाई, बच्चे की शादी, ऑल सब, ये सारी 4-5 चीज़ें करोगे ना, आप देखो कि आप कितना सुकून से सोचो। जब हमारे वर्कशॉप में कोई आता है ना 3 दिन का, वेल्दी संदीप के नाम से कोई बंदा सर्च करता है, 3 दिन के वर्कशॉप में मैं सबसे पहले ये बताता हूँ कि सबसे पहले दिन मैं आपको अच्छी नींद दिलाऊंगा और दूसरा मैं आपका किचन फिक्स करूंगा। अगर आप ढंग से सो लिए और ढंग से खा लिए तो लाइफ वैसे ही बहुत बेहतर होती है। दैट्स ऑल, क्योंकि 20-25% लोग तो लोन में दबे हुए ना, रातों में नींद नहीं आ रही है और प्रेशर की वजह से ऑफिस में ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं, और फिर बीमारियां होंगी, वो ज़्यादा पैसा लेकर के जाएगी। तो पहला सबसे काम है किचन फिक्स करो, नींद फिक्स करो, इसके अलावा एवरीथिंग इज गोइंग टू। और ये स्मॉल हैबिट से हो सकता है। मैं एक क्लब चलाता हूँ, आपको जानकार हैरानी होगी, 700 दिन से चला रहा हूँ कॉन्टिन्यूसली, 700 दिन से, सुबह 6:30 से लेकर के 7 बजे तक। उसमें मैं वेल्थ क्लब होता है उसका, और वेल्थ क्लब में सब लोग आते हैं खाली यही सोचते हैं कि कैसे वेल्थ को बढ़ाया जाए। तो कॉन्शियसनेस, अब आप जब दिन भर में 1000 बार हमसे वेल्थ सुन लोगे, जिस तरह की चीज़ें सोचेंगे, जैसे विचार आएंगे, वैसे ही आपका प्रभाव बनेगा। एब्सोल्युटली। तो उसमें यही होता है कि कैसे आप मनी कॉन्शियस बन सकते हो, कैसे आप मनी के लिए बिहेवियरल फिनोमेना क्रिएट कर सकते हो, कैसे आप अपने गोल को प्रोडक्टिव बना सकते हो, ये सारी चीज़ें जब हम करते हैं ना, तो आपका लेवल ऑफ अवेयरनेस मनी के बारे में ऊपर हो जाता है। जैसे ही आपके पास में अवेयरनेस हो जाएगी, वो आपकी ज़िंदगी में चीज़ें आने लगती है। तो मैं सबको बोलता हूँ, आपको क्रिएटर बनना पड़ेगा, आपको ब्रह्मा बनना पड़ेगा, इसके बाद में आपको सरस्वती लानी पड़ेगी, आपको नॉलेज लेना पड़ेगा पैसे से रिलेटेड और किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, इसके बाद में आपको विष्णु बनना पड़ेगा ताकि आप काम कर सको, हु इज द ऑपरेटर ऑफ दिस यूनिवर्स, लक्ष्मी विल ऑटोमेटिकली कम। तो सर ये तो आपने बहुत वैल्यूएबल बातें शेयर की हमारे साथ में, कि भाई कोई व्यक्ति कम इनकम कमाता है, मिडिल एवरेज इनकम में है, अपर इनकम एवरेज में है, किसी भी एवरेज में वो हो, लेकिन अब प्रश्न मेरा बिल्कुल डिफरेंट है। मेरा प्रश्न है उन लोगों के लिए
जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, अभी उनका सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है, पॉकेट मनी तो मिलता है, लेकिन कई बार क्या होता है उनमें भी वही हैबिट होती है। सही बात है, पॉकेट मनी मिलता है 2000 और खर्च किए 2500 रुपए, 500 रुपए फ्रेंड से लिए हुए, राइट। अगली बार जब 2000 मिलेंगे तो 1500 पहले रह जाने वाले हैं, उनको 2500 करने के लिए 1000 किसी और से लिए हुए हैं। सही बात है। तो ये लायबिलिटी उनके ऊपर बचपन से ही चलना शुरू हो जाती है। उनको आप क्या ऐसा मार्गदर्शन देंगे कि भाई आपको अपनी लाइफ में किन बातों का ध्यान रखना है अपनी पॉकेट मनी को लेकर, ताकि आप ज्यादा लंबे समय तक अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट ना। मेरा तो एक ही मानना है कि कैसे मैं आपको समझाऊं, बट ये इमोशनल क्वेश्चन है, क्योंकि उस वही एज में सारे एक्सपेरिमेंट करने हैं आपको, 10 से लेकर के 18 तक में ही सारे एक्सपेरिमेंट करने हैं, गर्लफ्रेंड भी जाना है, सिनेमा भी जाना है, अच्छे कपड़े भी पहनने हैं, सारे ड्रामे उसी, तो बता नहीं सकता हूं मैं, बट ये जरा मेरा एक्सपीरियंस है, अगर आपको आपके मम्मी पापा ने 2000 रुपये की पॉकेट मनी दी है तो 2000 रुपये में कैसे आप गुजारा करो ये सोचो। ऐसा नहीं कि मेरे पास ज़्यादा पैसा तो मैं ज़्यादा खर्चा करूँगा, तो ये आपको हैबिट पहले से, और ये मम्मी पापा को बोलना पड़ेगा कि भाई आपका ये है इसमें करो, तुमको 3000 चाहिए 3000 लो उसमें काम करो। आज आपको हैरानी होगी, मैं अपनी बीबी को एक फिक्स इनकम देता हूँ एक्सपेंस के लिए, उसके अलावा अगर बच गया तो आपका, नहीं तो 1 रुपया नहीं दूंगा मैं। तब अब आपको पता होगा दैरन, अगर आप बार बार ऐसे करते रहोगे तो फिर आपकी हैबिट नहीं मिले। और दूसरी बात है, आपका अगर सोचो कि आप स्पेंड ज़्यादा कर रहे हो और वही पैसा अगर स्पेंड ज़्यादा करके अपनी एजुकेशन में डालोगे तो खुद आप पैसा बनाना शुरू कर सकते हो। और अगर आप गैप फिल कर रहे हो, 500 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हो, तो सोचो कि 500 रुपये कैसे बचा सकता हूं मैं। देखिए ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, एक्स्ट्रा एक्टिविटी करते हैं, यूट्यूब से कोई चीज सीखी, एब्सोल्युटली, एज अ फ्रीलांसर कंटेंट राइटिंग काम कर लिया, एज अ फ्रीलांसर और बहुत सारे काम, वीडियो एडिटिंग का काम कर लिया, किसी का ग्राफिक डिजाइनिंग का कर दिया, कहीं पर नोट्स बनाने का काम कर दिया। अभी एक स्टूडेंट को मैंने देखा, वो अपने कॉलेज में सेकंड ईयर में है, तो फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को नोट्स बना के सेल कर, एब्सोल्युटली। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्रिएटिव बनना पड़ेगा, क्रिएटिव माइंड से, एब्सोल्युटली। तो क्रिएटिव, दूसरी बात ये भी आपको सोचना है, आपको स्किल पे काम करना है, तो अगर आप गैप नहीं भरोगे उसको अपनी स्किल से, स्किल आप 50 साल लेकर जा सकते हो, लेकिन वो 500 रुपये का जो वो है ना, वो आप 50 साल नहीं कर। तो आपको ये सोचना है कि क्या बच्चों को पढ़ा सकता हूँ 1 घंटा, फिर 2 बच्चों को पढ़ाओ ना, 2000 रुपये का बनाओ ना, क्या मना कर रहा है। तो आपको क्रिएटर बनना पड़ेगा, और उसके लिए आपको आउट ऑफ कंफर्ट जोन जाना पड़ेगा। जैसे ही आप स्टूडेंट को ये बात समझ में आ जाती है, और उसमें देखो सब लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको ये कॉन्शियस बनाना पड़ेगा कि जितना पैसा मैं बचा रहा हूं, या फिर जितना एक्स्ट्रा लगा रहा हूं, क्या मैं एक्स्ट्रा पैसा बना सकता हूं, और 3 महीने 6 महीने 1 साल 2 साल के बाद मैं अपने पापा मम्मी से मांगने ही नहीं, मेरे को 2000 रुपये मैं खुद बना के करूंगा। एंड दैट इज हाउ यू विल लर्न द स्ट्रीट स्मार्ट वाली स्किल। और फिर आप देखो, एंटरप्रेन्योर इज नॉट समबडी हु इज बीइंग टॉट इन द स्कूल और कॉलेजेस, दे आर बीइंग बिल्ट इन द मार्केट में, रोड पे। उन्होंने लाइफ का प्रैक्टिकल किया है, किस को देखा है, ऑब्जर्व किया है, उससे कोई नया आइडिया क्रिएट किया है, एब्सोल्युटली, और फिर लाइफ में वो आगे बढ़े। बस यही है। तो बहुत वैल्यूएबल कंटेंट आपने शेयर किया, बहुत जानकारी आपने शेयर की है। आप डॉक्टर संदीप गुप्ता जी को उनके फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल के माध्यम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फ्रेंड्स, इसी तरह से अगर आप हमें प्यार देंगे तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, बड़े गेस्ट्स को हम इन्वाइट करते रहेंगे और आपके साथ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी और मेरे साथ में हैं डॉक्टर संदीप गुप्ता। थैंक यू सो मच सर। हम दोनों आपके सुनहरे भविष्य की कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत।